रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नन और मैं हूँ भाभी। और आप देख रहे हैं खाने में तड़का विद नन भाभी। तो आज हमारे किचन में बन रहा है कुछ बहुत ही मजेदार। आज हम बनाने वाले मैंगो कस्टर्ड, ठीक है, जिसके लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है, ठीक है। ये हमने चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसका बॉयल आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। बॉयल आ गया है, देखें आप। अब हम इसमें जो है 1 कप जो है चीनी डालेंगे इसमें और इसे पकाएंगे थोड़ी देर। हाँ, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे इसको। आप देखें, मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया था हमने, उसको हमने जो है 4 चम्मच हमने पाउडर लिया था, उसको हमने दूध से हमने घोल लिया है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आज थोड़ी हल्की रखिएगा क्योंकि ये फौरन गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। भाभी आपका गाढ़ा हो गया? हाँ ना, अभी हल्की आंच पे पकेगा, ठीक है, क्योंकि फौरन ये समझ के मत उतार दीजिएगा कि ये गाढ़ा हो गया, तैयार हो गया, ये कच्चा हो जाए होगा। हीक भी आती है ना? हाँ, हीक भी आती है अगर ये कच्चा होता है तो। जबरदस्त। अब हल्की आंच पे अब इसको पकाएं और चलाते रहें। देखें तैयार है ये, बिल्कुल हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है। 5 मिनट हमने पकाया है ना कस्टर्ड पाउडर के साथ, हल्की आंच पे 5 मिनट पकाया क्योंकि दूध बॉयल आ चुका था, चीनी वीनी सब पक चुकी थी, ठीक है। अब इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ना, आप जो है स्टेप आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते हैं, रूम कूलर के पास, पंखे के पास, क्योंकि गर्मी बहुत है। अब ये जो है हमने ये 4 केले लिए हैं जिसको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है, 1 अदद आम लिया है उसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और ये 4 चीकू लिए थे, 4 चीकू लिए हैं उसको भी हमने इस तरह काट लिया है, और ये हमने 1 कप हमने वो अंगूर लिया है, लिया है। ये बताइए आप गिन के बताइए कितने अंगूर हैं। और ये हमने केक लिया है, ठीक है, चले आइए। केक कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी केक ले सकते हैं, ठीक है भाभी। अब इसको हम इस तरह डालेंगे, ठीक है, चूरा करके रखें, हमें चूरा के चूरा दाल की केक कस्टर्ड बहुत पसंद है जी। अच्छा, इसलिए हम चूरा ही तो करेंगे इसको जी। अच्छा, शुक्रिया। और जो भी आप फल डालना चाहें अपने हिसाब से, जो आपको पसंद हो। मैं चेक कर लूँ मीठे हैं कि नहीं है, वो ऐड कर देना। मैं चेक करूँ मीठे हैं कि नहीं, बिल्कुल करें। हैरत है, भाभी ने मेरे हाथ पे नहीं मारा, वरना तो भाभी छोटे खाने नहीं बना दिया ना भाभी। हाँ बिल्कुल, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि पकते हुए लोग खाना खाएं या चखें। क्यों, ऐसे क्यों है भाभी? बस पसंद नहीं और बरकत भी नहीं होती है। हाँ एग्जैक्टली, बरकत खत्म हो जाती, बरकत खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, हमारी गली में बरकत भाई रहते हैं। आप जो पर आप चाहें डालें, बनाएं, खाएं, इंजॉय करें आप। और बताइए बताइए कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है कस्टर्ड, कहाँ डालेंगे अब आप? अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। देखिए अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं, कस्टर्ड को आप ठंडा कर लिएगा वरना ये बन छुट्टा हो जाता है। ऐसे ही बोला था आपने, आपके फल जो है वो फिर गला देता है फौरन और पानी छूट जाता है। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए काफी ये मैंगो कस्टर्ड है, तो काफी के हमने आम जो है अलग रख लिए थे, 1 आम हमने अंदर काट के इसके अंदर डाला है और 1 आम हम इस तरह किनारे किनारे रखे, क्योंकि ये मैंगो कस्टर्ड है तो उसमें आम का तो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अच्छा बनाइएगा, इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं। अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। मिलते हैं ऐसी सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।